चैनल। आज हम आए हैं जंगल में, जंगल की सैर करने। बहुत दिन हो गए थे, हमें लगा था कि बहुत बोरियत सा हो रही है। दिन त्योहार भी फेस्टिवल सारे हो गए हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा लेने जिम कॉर्बेट आए हैं और जंगल के दर्शन करने। शायद इस उम्मीद से कि कोई इस बार हमें वन्य प्राणी अच्छा सा टाइगर सा देखने को मिल जाए। तो ये भाई साहब तो नहीं, ये हमारे जनाब यहाँ पर लेकर और ये हमारी थार का पहला ट्रिप है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे हमने अपनी नई थार ली थी। तो हमने सोचा था कि जब भी हम थार लेंगे तो हम अपने एक नई ट्रिप पर आएंगे। तो सबसे पहले हमने थार में यही वाला ट्रिप किया है, क्योंकि निखिल ने थार ली ही इसीलिए है कि वो जंगल के ट्रिप कर सके। तो फिर पहला ट्रिप हमारा अब जिम कॉर्बेट का ही होने वाला है। प्रीनी और मिष्टी भी हमारे साथ है। मिष्टी कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? जंगल में। कहाँ जा रहा है? टाइगर देखने? अच्छा, हमने बोल दिया कि उधर छोटा भीम पॉइंट कर एक छोटा सा ढाबा समथिंग लाइक है। हाँ, वो भी देखना आपको। अब वो सोचने लगे कि वहाँ पे कोई असली छोटा भीम है। हाँ, छोटा भीम कैसे सोचने लग गए। हाँ, सब है वहाँ पे। हाँ जी, आपकी कोई विशेष टिप्पणी? नहीं कुछ नहीं, एंजॉय करो। चलिए, हम आपको व्यूज दिखाते रहेंगे। आई होप हमें भी कुछ देखने का मौका मिलेगा। तो अभी हम स्टे पे जा रहे हैं, KMVM में हमने स्टे लिया हुआ है। वहाँ का भी आपको वीडियो शेयर करेंगे कि कैसा स्टे हमें मिला हुआ है, और आगे के सारे वीडियोस जो भी हम वीक थ्रू डालते रहेंगे वो जरूर देखते रहिएगा। चलिए, बहुत सारी जगह जाएंगे, रेस्टोरेंट्स बहुत सारे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ सामने का व्यू, हम कहाँ से गुजर रहे हैं। ये हम ऑलमोस्ट कहाँ पहुंच चुके हैं निखिल? गर्जिया देवी मंदिर पहुंचने वाले हैं। हम गर्जिया देवी मंदिर पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम सुबह के 8 बजे के निकले हुए हैं घर से, और यहाँ पर फाइनली दोपहर के 2:30 बजे पहुंच गए। 2:36 हो गए। हम डैशबोर्ड पे आपको दिखा देते हैं, तो अभी 2:30 बजने वाले हैं। थार का नया डैशबोर्ड हम वो भी आपको दिखा दे। तो हम यहाँ पे गर्जिया देवी टेम्पल तक ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। ट्रैफिक भी था रास्ते में, और दिवाली के बाद अब थोड़ा सा कोहरा भी हो गया पिछले कुछ दिनों से, तो सुबह हमें थोड़ा सा फॉग भी मिला था, और लेकिन फिर भी वेदर ठीक ठीक था, विजिबिलिटी थी। और अब यहाँ पे पहुंचे आफ्टरनून में, तो आप देख ही सकते हो विजिबिलिटी ठीक है, क्योंकि सन निकला हुआ अच्छा सा, क्लाउड नहीं है बिल्कुल भी अभी इस टाइम पे। और ये वीकेंड का टाइम है, सैटरडे संडे वाला। इसके वीडियोज में अभी इस वीक कमिंग वीक में आपको डालती रहूंगी। ये निखिल बता रहे हैं कि टाइगर का पूरा एरिया है, और इसी में ही अभी हम सफारी भी करने वाले हैं आजकल में। तो जो भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा। तो ये पूरा एरिया कवर करने वाले हैं। आए तो हम अपनी मस्ती के लिए, बस साथ साथ में आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ की बहुत सारी आजकल न्यूज में भी था ये एरिया, कुछ टाइगर अटैक्स के लिए। वो भी किसी से बातचीत करके इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या एक्चुअली में हुआ था, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, बी ऑन, स्टे विद अस। अच्छा वेदर हो रहा है और क्लीन एनवायरनमेंट, ट्रैफिक भी कम है इस टाइम पे। ये है मेरे बनाया वीडियो ने। अभी जस्ट हमने छोटा भीम पॉइंट क्रॉस किया है। कल हम इनसे भी आएंगे मिलने, लास्ट टाइम भी मिले थे, उनसे भी अच्छी बातचीत हो गई है, तो एक बार फिर से भैया को मिलकर जाएंगे। और ये पूरा एरिया वही सुंदर खाल वाला है ना चल रहा? सुंदर खाल शुरू हो चुका है, तो वहीं से क्रॉस कर रहे हैं। साथ साथ में आप भी व्यू देखते रहिए। यहाँ पे चाय वाय पीने बड़ा मजा आता है। हाँ, ये तो है। टाइम बोलते ही ये टाइम पे ट्रैवल करते हुए यहाँ पे जंगल में ट्रैकिंग करते हुए। फ्रेंड्स, ये वाला एक पॉइंट है जहाँ पे अक्सर ये रास्ता क्रॉस करते हैं, धनगढ़ी नाला। पनोर नाला, पनोर नाला राधा। अच्छा, धनगढ़ी नाला आ गया, धनगढ़ी गेट के बाद पड़ेगा तो पनोर नाला। यहाँ से भी अक्सर इनकी रोड क्रॉस करने की मूवमेंट्स आती रहती है, खास करके हाथी की, और भी टाइगर वगैरह भी करते क्रॉस। इधर वाले जो टाइगर है वो इधर आता है। तो यहाँ से टाइगर और हाथी वगैरह रास्ता क्रॉस करते हैं, तो उसकी मूवमेंट रहती है। और अभी थोड़ा सा मुझे लगता है रोड रिपेयर हो रही है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा रिपेयर वर्क चल रहा है साइड पे।
बारिशों के बाद अक्सर रास्ते खराब हो ही जाते हैं, तो थोड़ा बहुत उसका भी मेंटेनेंस चल रहा है। ऊपर चढ़ना है वहाँ पे? और देखिए बिल्कुल भी तुम्हारे पास जहाज है, ये कॉर्बेट की कुछ वैन्स आ रही है, लोग सफारी करके वापस आ रहे हैं दोपहर को। ये रास्ता देखिए थोड़ा सा कच्चा पक्का हो रहा है, अभी इसी का रिपेयर चल रहा है आगे से भी। गुड बाय नंदी हो गई धानगढ़ी गेट की तरफ जाते हुए। हाँ ये कहाँ जा रहे हैं हम? धानगढ़ी गेट मेन निकाला गया फ्रेंड्स। ये देखो सामने धानगढ़ी गेट आ गया, ऑलमोस्ट हम यहाँ पे पहुंच गए हैं सुंदरखल क्रॉस करके। और यहाँ पे एक म्यूजियम है जो कल बच्चों को दिखाने लाएंगे। प्रीना यहीं पे है वो म्यूजियम जो आपको दिखाना है हमें ना? हाँ दिस इज द वन लेफ्ट साइड। तो ये म्यूजियम भी कल देखने आएंगे, इसका दोबारा से एक वीडियो भी आपको शेयर करूंगी। ऑलमोस्ट ये हमारा रास्ता क्रॉस हो रहा है। रास्ता भी देखिए यहाँ पे कितना सारा पत्थर ही पत्थर नदी में बहकर आ जाते हैं, और अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा पानी है। ये चलता ही रहता पूरे साल, पूरा साल ये नाले का पानी चलता ही रहता है। और अभी मुझे लगता है इसी वजह से ये रिपेयर करके वो थोड़ा सा पुल ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये ब्रिज का आधा काम यहाँ पे हो चुका हुआ, इसी को कनेक्ट करेंगे क्योंकि बारिशों में निखिल बता रहे हैं कि यहाँ से रास्ता कट जाता है। तो आई थिंक इसी वजह से ये पुल ऊपर से बना रहे हैं ताकि बारिशों में भी कोई दिक्कत ना आए, इवन लोकल को भी और टूरिस्ट को भी। तो ये पूरा रास्ता अभी बन रहा, हो सकता है साल दो साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाए। अभी रास्ते में दो हिरन दिखे थे लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक था और दूसरे किनारे पे थे वो, इसलिए मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आगे चल के और भी देखने को मिलेंगे। और ऑफ रोडिंग का मजा आ रहा है, हमारी थार का, हमारी ये नंदी हमारी, इसमें बहुत मजा आ रहा है और इसने हमें संभाला हुआ है। एक टाइगर की ये फेवरेट जगह है, तो वो क्रॉस करके इधर घूमता है, उसकी टेरिटरी है। कौन सा नाला है ये नहीं पता मुझे, पर ये मुजीरो पॉइंट मोहन वाला गरेड़ा है, मतलब नाला जो बोलते हैं गरेड़ा मीन उत्तराखंड की भाषा में कुमाऊनी में जो है गढ़वाली में नाले को घूम, नाला है बेसिकली छोटा पॉइंट ऑफ ये छोटा स्ट्रेच ऑफ रिवर। क्या कौन सा रास्ता है ये? ये वही मोहन जाते हुए का है ना, जो केएमएन जा रहे हैं। तो ये जो पुल है ये आपकी बार बारिशों में 120-125 साल पुराना ब्रिज है, ये वाला बह गया था। अच्छा फिर ये आर्मी ने नया ब्रिज बनाया है, सेंसे ही वाला ब्रिज है देख लो। 125 साल पुराना ब्रिज था वो पानी में बह गया था। पानी इस बार था भी, 2-3 महीने बहुत ज्यादा बारिश हुई थी ना, तो फ्रेंड्स यही वाला वो ब्रिज है जो हो गया था। लेकिन देखो आर्मी ने फटाफट बना दिया दोबारा से। हाँ हाँ जी बेटा, उनको सारे काम आते हैं करने, नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ इस तरह के कामों में भी एक्सपर्ट है। चलो ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं, है ना? पहुंचने वाले हैं, मोहन चौकी पहुंचने हैं। ओके पता लगेगा अभी नेगी जी से पता करते हैं, वो बिल्ड होनी चाहिए उसकी हाथी वगैरह ये सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये वो नया वाला गेट है जो मोहन उसके लिए बनाया है। फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं केएमवीएन मोहन, और ये यहाँ का व्यू है सब कुछ। अभी हम बस यहाँ पे एक बार चेक इन कर ले फिर आपसे मिलते हैं। मिष्टी वो देखो मंकू, वो देखो उधर मंकी चढ़ रहा है, देखा? हाँ यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो फाइनली हम फ्रेंड्स आज पहुँच चुके हुए केएमवीएम महान में, हमने एंट्री कर ली हुई है, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है अपनी, और ये कॉटेज हमने बुक की थी, ये इसका व्यू है। तो यहाँ पे हम फाइनली पहुँच चुके हुए हैं, निखिल ने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हुई है। तो दिस इज द कॉटेज, कॉटेज नंबर 1 है ये डीलक्स, और ये हमें पड़ी है 35 में, 3500 है। और ये देखिए ये बिल्कुल सामने से इसके व्यू मिल रहा है, ये पूरा जंगल के बीच में है। आपको पता ही है केएमवीएम, अगर आप पहले भी कभी यहाँ पे रुके हुए होंगे तो आपको सारा पता ही होगा। और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ ऊपर से कैसा व्यू आपको मिलने वाला है, बाहर का मैं आपको सारा दिखा रही हूँ।
यहाँ पे रहने का आने का यही सोल पर्पस होता है कि बिल्कुल नेचर के बीच में रहा जाए। आसपास दूर दूर देखो ग्रीनरी ही ग्रीनरी, क्योंकि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है। और सामने अगर सुबह आके देखोगे तो यहाँ पे रिवर व्यू आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं आपको पूरा ऊपर तक दिखा देती हूँ क्या क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है। अगर मैं दूर देखूँ तो वो अभी भी मुझे थोड़े बहुत मंकीज टहलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ, ये हमारे नेगी भैया जी हैं। ये नेगी भैया जी से हम हमेशा बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने वीडियो भी बनाया था इन्होंने इनका, और साथ में इन्होंने हमें बताया भी था कि टाइगर देखने को मिला था, तो इनसे भी अच्छी खासी बातचीत हो गई और बच्चों के साथ भी अब घुल मिल गए हैं। मिष्टी कहाँ आगे बेटा? मिष्टी को तो डॉगी भी दिख गया। ओ ये छोटा सा प्यारा सा डॉगी यहाँ पे, अच्छा बहुत प्यारा। मिष्टू बस पास नहीं जाना अभी। चलो थैंक यू नेगी भैया जी, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं एक बार कॉटेज आपको दिखा देती हूँ कि ये डीलक्स रूम लिया है, नंबर वन है, कॉटेज नंबर वन है। ये एंट्री है, ये थोड़ा सा एक तरह से सिटिंग एरिया मिल जाता है, और यहाँ से एंट्री करते हैं रूम। इस पे लिखा हुआ है कॉटेज डीलक्स नंबर वन। अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए अंदर से बहुत ही नीट और क्लीन है। ये एक रूम है, फुल साइज किंग साइज बेड है इसमें, और इधर से विंडोज लगी हुई हैं जहाँ से बाहर का व्यू आप ले सकते हो। एक सिटिंग एरिया है, ड्रेसिंग एरिया है, ये दो सोफे लगे हुए साथ में टेबल है, और एक इस पे राउंड टेबल भी लगी हुई है। और अगर इधर से विंडो से देखे तो बाहर का व्यू देखने को मिलेगा आपको, पूरा बेड साइड ही आपको व्यू देखने को मिलता है। और ये वाली साइड पे आपको ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम की फैसिलिटीज है, और ड्रेसिंग एरिया में अलमारी है यहाँ पे प्रॉपर बनी हुई, एक एक्स्ट्रा कबर्ड है, ड्रेसिंग एरिया बना रखा हुआ है, पूरा ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाता है, मिरर लगा हुआ है। और ये यहाँ का वॉशरूम है विच इज क्वाइट नीट एंड क्लीन, ये पूरा आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है। ये काफी स्पेशियस है, बड़े हैं, एग्जॉस्ट है, गीजर की सुविधा है, नीट और क्लीन है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। बच्चे मेरे अभी एडजस्ट हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। कैसा लगा प्रीनी? अच्छा लगा ना, बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये वाला प्रॉपर रूम है, कॉटेज है, सबकी इंडिविजुअल कॉटेज बनी हुई है। निकल हाउ मच इज दिस फॉर कॉटेज? 3000 है ना, तो ये सारी ऑलमोस्ट 3 to 3500 के बीच में है। नहीं ये 3000 है, वो जो सामने है और ऐसी इनके पास 3500 वाली भी कॉटेजेस हैं। और ये बिल्कुल सामने से आपको रिवर व्यू दिखने वाला है, शाम की चाय पियो, सुबह की नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, सब कुछ आप यहाँ पे बैठ के सामने से व्यू भी ले सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम जो भी करेंगे सारी एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो देखते रहिएगा।